आखिर लेकर जाना है, सैक्रिफाइस। जब तक आप गृह त्यागी नहीं करते, आप हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि इल्म आपके दरवाजे तक नहीं आती। आपको इल्म की तलाश में जाना है। अक्सर ये होता है कि जब भी शादी होती है, फंक्शंस होते हैं, किसी के घर में पार्टी होती है, हल्दी होता है, तो हम सज धज कर अपने डेट्स को तय कर कर स्केड्यूल बना कर प्लानिंग एक महीने पहले से चलती हैं और बिना मिस किए उस फंक्शन को, उस शादी को, भले ही बारिश हो, कुछ भी हो जाए, हम उस फंक्शन को अटेंड करते हैं। इतनी अफसोस की बात है, अगर कोई भी ऐसा एजुकेशनल प्रोग्राम हो, कोई भी ऐसा एजुकेशनल टॉक हो, स्पोर्ट्स डे हो, एक्टिविटीज हो, लेकिन परसेंटेज लोगों की बहुत ही कम होती है, क्योंकि वो डेट तय करते ही नहीं। कोई बात नहीं, लेक्चर होता है, होने दो, स्पीच होती है, होने दो। नहीं, ये ऐसी चीज है जिसके लिए आप दिलो जान से अपना डेट तय करके, अगर पीटीएम भी हो, पेरेंटिंग भी हो, नहीं मेरे बच्चे की पेरेंटिंग है, इस दिन मैं शादी नहीं जाती। सैक्रिफाइस, गृह त्यागी, निकलो अपने घरों से एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए, क्योंकि इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फर्ज है। अगर यही प्रैक्टिस आप बचपन से करेंगे, तो आपका बच्चा जिस जगह जाएगा, जिस लोगों से उठना बैठना करेगा, वो सारे लोग एजुकेटेड होंगे। आपका बच्चा गलत रास्ता नहीं चुनेगा, क्योंकि कभी भी आपने अपने बच्चों के सामने इंपॉर्टेंस एजुकेशन को दिया है। डेट तय किया, बेटा अगला महीना तेरा पीटीएम है, बेटा अगला महीना तेरा पीटीएम, 15 दिन में तेरा पीटीएम है, 10 दिन में तेरा पीटीएम है, 5 दिन में तेरा पीटीएम है, तो बच्चे को अंदर से खौफ होता है, अरे मेरी माँ क्या बात करेंगे, मेरे बाप क्या बात करेंगे, टीचर डांटेगी, मैंने होमवर्क नहीं किया था, मेरा फलाना नहीं किया था, मैं मार्क्स कम लिया। तो बच्चे के अंदर रेस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होगी। अगर यही शौक हम दूसरे चीज़ों पर रखें, तो बच्चा तो यही सोचेगा ना, कभी मेरे माँ बाप तो इम्पोर्टेंस दिए ही नहीं, तो मेरे माँ बाप का जो इम्पोर्टेंस है वो फंक्शंस है, पार्टीज है, मैरिजेस है। तो बच्चे की सोच भी वही होगी। एग्जाम्स का टाइम आएगा, आपके बच्चे का शौक किसी और चीज पर होगा, बल्कि किताबों पर नहीं होगा, क्योंकि बच्चा तो आप ही से सीखता है ना। एग्जाम का टाइम होता है, दूसरी चीजें होती रहती है, पार्टीज होता है, घर में मैरिज होती है, बच्चों का ध्यान वहां पे भटकर रहता है। तो ये 5 रूल्स को फॉलो करें। पहला रूल क्या था, सुनाई नहीं दे रहा है, प्लीज जोर का बोलें। हाँ, वेरी गुड, क्रो, लीव लाइक ए क्रो, काका चेष्टा। दूसरा रूल क्या था, वेरी गुड, फोकस लाइक ए क्रेन, भको ध्यानम। तीसरा रूल क्या था, स्लीप लाइक ए डॉग। लगता है माशाल्लाह पेरेंट्स ने बहुत अच्छे तरीके से पॉइंट्स नोट कर रहे हैं। तीसरा जो है श्वाना निद्रा, स्लीप लाइक ए डॉग, गुड। चौथा अल्पाहारी, मतलब कम खाओ, गुड। पांचवा गृह त्यागी। ये 5 रूल्स फॉलो किए ना, जिंदगी मानो जिंदगी बदल देगी, आपका बच्चों की तरबियत बहुत ही अच्छे सलीके से होगी। इंशाल्लाह सारे लोग पूछेंगे कि बच्चों की तरबियत को करते क्या हैं, और कल के दिन आप यहाँ खड़े होंगे, आप लेक्चर देंगे कि बच्चों की तरबियत किस तरीके से करते हैं। बड़ी चीज नहीं है, बस इम्प्लीमेंटेशन में है। और एक और चीज इससे जुड़ी होती है, जब हम गृह त्यागी की बात करते हैं, सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस ऑफ योर कंफर्टनेस, मतलब अपने आराम का सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइस का मतलब हर चीज का सैक्रिफाइस है, अपने आराम का सैक्रिफाइस। जब मैं बात करती हूँ एजुकेशन तालीम और दायरों की, तो आप देख सकते हैं कि इतने मुश्किलों के साथ बहुत कम स्कूल्स हैं जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए अपने
सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इतनी मेहनत कर ऐसे तालीम और दायरे खड़े करते हैं, और हम, हमारा कोई फर्ज है ना, वी आर दी मखलूकात, हम जो है, हम मुसलमान हैं, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए एक फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को अच्छे इंसान बनाए ताकि वो कॉन्ट्रीब्यूट करें हमारे देश के लिए, हमारे कंट्री के लिए। तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या होना चाहिए? हमारा इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम है। ना हम हमारा वक्त देते, ना हम अपना आराम दे छोड़ सकते, ना हम हमारा पैसा सही जगह लगाते। पैसों की अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, हम यूजुअली जो होता है हमारी कौम में कि हम इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, कपड़ों पर, जेवरात पर, शादियों पर, खाने पर, फैशन पर, लेकिन एजुकेशन की जब बात, ये जो है आपका फ्यूचर बनाता है, आपके बच्चों का फ्यूचर बनाता है। आपको इंटरेस्ट तो वैसे जायज नहीं है, लेकिन एजुकेशन पर इंटरेस्ट रिटर्न आना जो है आपका एक बहुत ही बड़ा फायदेमंद है, क्योंकि आपका बच्चा जो है, इंटरेस्ट की जब मैं बात करती हूँ, आप एजुकेशन पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं लेकिन इंटरेस्ट के साथ उसका रिटर्न लेते हैं। क्या रिटर्न है वो? तरबियत, अखलाक, सिलायत, लीडरशिप। हम इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही पीछे है हमारे लोग। एक शादी आ रही है, वहीं से टेंशन शुरू हो जाती है, क्या पहनूं, है ना। लेकिन वो फिकर, वो गौर व फिकर बच्चे के एजुकेशन में क्यों नहीं होती? अगर कहा, अगर दूसरे शहर में एक प्रोग्राम चल रहा है बच्चों के लिए, एक क्विज चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है, तो मेहनत करें, पैसा खर्च करें, अपने बच्चों को वहां पर लेकर जाएं। ये इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन है। जिस स्कूल में भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उस स्कूल को इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों के एजुकेशन को इन्वेस्ट करें, अपने बच्चों की किताबों को इन्वेस्ट करें। असल रिटर्न आपके प्रॉपर्टी से नहीं आता, आपके प्रॉपर्टी पर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट, और जो बहुत बहुत स्कीम्स आते हैं, ये स्कीम है, वो स्कीम है, सारा डूब लेकर जा रहा है, क्योंकि ये दुनिया है। अगर आखिरत चाहिए, दुनिया और आखिरत दोनों चाहिए, तो तालीम पर इन्वेस्ट करें, एजुकेशन पर इन्वेस्ट करें। बहुत ही अफसोस के साथ एक चीज मुझे बतानी पड़ रही है कि अभी रमजान गया तो ऐसे ही कैलकुलेशन हुआ था कि एक दिन में कितने समोसे बिकते हैं पूरे हिंदुस्तान में, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं? 100 करोड़ का पैसा कमाते हैं एक दिन समोसे का पूरे हिंदुस्तान में। सोचो अगर आपने एक दिन का रुपया या 10 रुपया या 5 रुपया भी लगा दिया, तो सोचो सारे हिंदुस्तान का जो पैसा लगेगा इदारों में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में, तो आपकी इंस्टीट्यूशंस कैसी होगी, आपकी यूनिवर्सिटीज कैसे होगी, कोई टक्कर नहीं ले सकेगा। लेकिन हम एजुकेशन को लास्ट में रखे हैं। पहले हमारे प्रायोरिटीज आते हैं प्रॉपर्टीज, फिर गोल्स, फिर स्कीम्स, फिर पैसा, फिर शादी, फिर खाना पीना। और आजकल आप मोबाइल लेकर देखें अपने जवान बेटियों का, अपने बेटों का, कि उसमें जो है ऑनलाइन शॉपिंग ग्रुप्स होते हैं, हर दिन शॉपिंग ऑनलाइन। ये क्यों करते हैं बच्चे? क्योंकि आप ही से सीखते हैं ना। अगर आप ये इन्वेस्टमेंट सही जगह करें,
सैक्रिफाइस ही गृह त्यागी है। कुर्बानी दे अपने वक्त का, अपने पैसों का, अपने आराम का, तब जाकर बच्चे की फ्यूचर बनेगा। बच्चा जो है एक अमानत है हमारे पास, अल्लाह के पास उसकी पूछ है कि मैंने तुझे औलाद अता की और तूने इसका क्या किया, मैंने तुझे दौलत अता किया तूने इसका क्या किया, मैंने तुझे सेहत अता किया तूने इसका क्या किया, मैंने तुझे वक्त अता किया उसका तूने क्या किया। क्या जवाब होगा हमारे पास? ये वक्त, ये पैसा, ये हमारा सेहत, ये हमारी हर चीज जो है सही तरीके से सही जगह लगनी चाहिए। तो यही जो है गृह त्यागी है। इससे मुताबिक एक कहानी, मजेदार कहानी सुनेंगे। एक बहुत ही बड़ा बादशाह था, उसका बहुत ही बड़ा महल था, 100 से ज्यादा नौकर थे। एक बार वो बादशाह ने अपने मंत्री को लेकर एक माली के पास गया और वहां पर ये देखा कि माली और उसकी बीवी और उसके दो बच्चे बड़े ही खुशी के साथ खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो बादशाह परेशान हुआ, दुनिया की दौलत तो मेरे पास है, शान और शौकत मेरे पास है, पैसा और रुतबा मेरे पास है, लेकिन मेरे से ज्यादा खुश ये माली है, क्यों? तब मिनिस्टर कहता है, क्योंकि ये 99 क्लब का मेंबर नहीं है। बादशाह पूछता है, ये 99 क्लब का मेंबर क्या है? तो मिनिस्टर बोलता है, आप एक काम करें, आप मुझे 99 अशरफियां दे दें, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 6 महीने के बाद तो बादशाह जो है अपने मिनिस्टर को 99 अशरफियां दे देता है और वो मिनिस्टर जो है माली के घर के दरवाजे के बाहर अशरफियों की थैली रखकर हट जाता है। सवेरा होता है, माली दरवाजा खोलता है तो उसको एक बैग दिखती है। जब वो माली खोलता है तो सरप्राइज्ड, अशरफियां चमकती हुई, तो माली इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, अंदर जाता है, दरवाजे बंद कर देता है और अपने बीवी बच्चों को बुलाता है, देखो मुझे क्या मिला, अशरफियों की थैली। तो वो अशरफियां निकालता है और गिनने लगता है, हमारी तो जिंदगी बन गई, चलो इसको गिनते हैं। वो गिनता है और बोलता है 99। अरे ये कैसे हो सकता है, 99 कोई 99 डालता है क्या? अरे जिसको रखना था 100 ही दे देता, 99 देने की क्या जरूरत थी। नहीं नहीं नहीं, मैं फिर से गिनूंगा। फिर से गिनता है 99। फिर परेशान होकर, दिमाग खराब कर अपना सर खुजाकर अपनी बीवी को बुलाता है, मेरा कैलकुलेशन सही नहीं है, चल तू गिन ये कितने अशरफिया हैं। बीवी इसको लेती है, एक 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 गिनती है और बोलती है 99। अरे ये कैसे हो सकता है, 99 नहीं हो सकता, तेरी भी गलत गिनती है, चलो मेरे बेटे को बुलाओ। बेटा आता है, 1 2 3 गिनने लगता है और बाप को बोलता है 99। फिर बाप बोलता है तू भी गलत है, चलो मेरी बेटी को बुलाओ। फिर बेटी आती है, फिर गिनने लगती है, फिर बेटी कहती है 99। तो माली पागल होता है, चिल्लाने लगता है, ये क्या 99 99, इसमें तो 100 होनी चाहिए, आज से मैं इतनी मेहनत करूंगा एक अशरफी कमाने के लिए और उसको 100 बनाऊंगा। तो माली जद्दोजहद से, रातों की नींद नहीं, दिन का सुकून नहीं, काम करने लगता है एक अशरफी बनाकर उसको 100 अशरफियां बनाने के लिए। बीवी हैरान परेशान, ना बीवी के लिए वक्त ना बच्चों के लिए वक्त। तो बीवी सोचती है ये तो बेवकूफ है, मैं पैसे खुश होना चाहिए कि 99 है अशरफिया, लेकिन ये इसको 100 बनाने में है, चलो मैं इसको खर्च करती हूँ। बीवी दो अशरफिया लेकर जाती है बाजार, शॉपिंग कर आती है। फिर शाम में माली आकर गिनता है तो कितनी अशरफिया रहती है, 98 97। अरे माली को गुस्सा आ जाता है, मैं 100 बनाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम शॉपिंग कर रही हो। तो वहीं से झगड़ा शुरू होता है। फिर अगले दिन उसका बेटा एक अशरफी खर्च कर देता है, फिर झगड़ा होता है, पूरे घर में झगड़ा फसाद। तब बादशाह आकर देखता है और कहता है,
हाँ अभी तो ये फैमिली जो है खुश नहीं है। ये ऐसी ही फैमिली है जैसे मैं हर जगह देखता हूँ। तो मिनिस्टर कहता है, बादशाह पूछता है कि ऐसे कैसे हुआ। मिनिस्टर बोलता है कि अब ये फैमिली जो है 99 क्लब की मेंबर है। पहले मेंबर नहीं थी, अब मेंबर है। तो बादशाह पूछता है, ये 99 क्लब है क्या? तब मिनिस्टर बोलता है, जब ये माली काम करता था तो एक एक दिन का जमा कर अपने बीवी पे खर्च करता था, अपने बच्चों पे खर्च करता था, किताबें लाकर पढ़ाता था, कपड़े लाकर पहनाता था, अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाता था और ऐसे चीजें लाकर देता था जिससे उसके बच्चे का दिमाग तेज बने। तो ये 99 मेंबर की क्लब, इनको पैसे की जरूरत नहीं थी क्योंकि जितना भी पैसा कमाते सही जगह पर खर्च करते। लेकिन आज पैसों की ख्वाहिश ने इल्म को बर्बाद कर दिया है, पैसों की ख्वाहिश ने मोहब्बत को फना कर दिया है। तो इससे ये मैसेज मिलता है कि पैसा होना अच्छा है लेकिन सही जगह लगाना उससे भी जरूरी है, तभी जाकर हैप्पी एंड सक्सेसफुल फैमिलीज बनेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी आपने पेरेंटिंग के बारे में सुना, जितना भी आपने पेरेंटिंग के बारे में समझा, तो इससे मैं ये उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला आपको सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जब आप सुनते हैं, इससे एक और बढ़िया मिसाल है। आज तो आप लोगों को कहानी पर कहानी मिल रही है, हाँ, लेकिन वो कहानी एक सबक के तौर पर है, तो उसको सबक के तौर पर लें, मज़े से सुने और सबक के तौर पर लें। तो आज जितना भी आपने सुना, इसका निचोड़ मैं एक फिर से एक कहानी से दूंगी। एक बंदा था, वो एक जंगल गया और देखा कि